नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप पिछले दो दिनों से प्रभु श्री राम मंदिर के जश्न में डूबे हुए थे। इस बीच राजनीतिक मोर्चे पर बहुत कुछ हो गया, समाचार माध्यमों की सुर्खियां तक नहीं बन सका। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत चौधरी की जो पार्टी थी, उन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दे दी गई। अखिलेश का कहना है कि 67 पे वो लड़ेंगे, तो 67 अखिलेश का, 7 जयंत का हो गया 72। अब बच गए 8 सीटें। अखिलेश ने कह दिया कि कांग्रेस को लड़ना है तो लड़े, हमने तो उनके लिए छोड़ दिया है, मात्र 8 सीटें। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? उससे भी बड़ी खबर बिहार की है और उससे भी बड़ी खबर असम से आ रही है। खबर यह नहीं है कि राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए, खबर यह नहीं है कि राहुल गांधी बस से उतरकर पब्लिक से लड़ने लगे, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ी खबर, ज्यादा दिलचस्प, वो खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको असम की खबर बता देते हैं। जब देश राम मंदिर के आनंद में डूबा था तो असम में 3 बड़ी घटनाएं हो गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा घुसी असम में और कुछ लोग उनके बस के साथ चलते हुए नारे लगाने लगे, जय श्री राम, मोदी मोदी। राहुल गांधी को आ गया गुस्सा, वो उतरे बस से, पब्लिक से वो भिड़े, किसी तरह सिक्योरिटी वालों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस बस में भेज दिया। अगले दिन, जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया और प्रभु के दर्शन नहीं करने दिए, और इसके विरोध में राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए और वही रघुपति राघव, राजा राम वगैरह के नारे लगाने लगे। फिर भी मीडिया की कवरेज नहीं मिली। अब करे तो क्या करे, आई वॉन्ट न्यूज, न्यूज बज क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? तो 25 तारीख को राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता मेघालय और असम के बॉर्डर पर पुलिस के साथ भिड़ गए, बैरिकेटिंग तोड़ दी, बदले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब आया मजा, अब बना न्यूज, और अब यह कहने का मौका मिला कि इस देश में तानाशाही है। अब पूरी खबर यह है कि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करना चाहते थे राहुल गांधी, जैसा कांग्रेस वाले बता रहे हैं, और असम पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी। अब उस बैरिकेडिंग को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ना शुरू कर दिया, जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई, कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को मारा तो पुलिस वालों को चोटें आई। अब शुरू हो गई बयानबाजी। सबसे पहले बी श्रीनिवास राहुल गांधी के अब भी फिलहाल सबसे खास बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, कांग्रेस डरेगी नहीं, न्याय यात्रा जारी रहेगी। जवाब में हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका ट्वीट आया, बोले भैया ये असम है, यहाँ इस तरह के नक्सल टैक्टिक्स नहीं चलते, और आप जिस तरह हिंसा कर रहे हैं ना, हमने सिर्फ वीडियो बनाया, हम रोक किसी को नहीं रहे, करो हिंसा, आएगा वक्त चुनाव के बाद इसी वीडियो के आधार पे हम आपको पकड़ेंगे और बुलाएंगे, चुनाव तक आप जैसा करना चाहते हो कर लो हिंसा, कर लो तोड़फोड़, जुबा पे मोहब्बत की बात और सड़कों पे अराजकता, ये कैसे? हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। क्या बोलूं, मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भस्त परिवार ही गांधी परिवार, ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी, उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। तो कहानी बस इतनी में पर खत्म नहीं हो गई कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, एक जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पब्लिक ने ही मार दिया घुसा, जो असम के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाक से खून गिरने लगा, ये नई खबर है कि राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए। खबर ये है कि राहुल गांधी ये सब कर क्यों रहे हैं, या फिर असम की सरकार क्या सचमुच में दमनात्मक नीति अपना रही है?
खबर इससे आगे है। अब इससे आगे ये है खबर कि असम के बाद अरुणाचल मेघालय में साथ साथ चल रहा है। ये जो घटना हुई है वो मेघालय के दौरे के दौरान असम मेघालय का बॉर्डर पर हुई है। अब आएंगे राहुल गांधी बंगाल, और बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम नहीं होंगे न्याय यात्रा में शामिल। सहयोगी हैं लेकिन कांग्रेस के न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने समय दिया है कि हम तुम्हें 3-4 दिनों का समय देते हैं, जनवरी के लास्ट तक सीट समझौता करना है तो करो, नहीं तो 1 फरवरी को हम पूरे बंगाल के लिए टीएमसी के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अब बताइए वहां न्यूज बनेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दो छत्रपों ने आपस में हाथ मिला लिया, बकायदा अनाउंस कर दिया, फोटो खिंचवा लिया, ट्वीट कर दिया, समझौता हो गया। जयंत चौधरी के आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें दे दी गई हैं लोकसभा चुनाव में। उसके अलावा अखिलेश यादव की पार्टी का कहना है कि 67 नहीं तो कम से कम 65 इतने पर तो लड़ेंगे, बच गई आपके पास 8 से 10 सीटें, हम कांग्रेस को उतना ही देंगे। कांग्रेस मांग रही है 20, लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति यह है कि कांग्रेस को अगर कोई 5 भी सीट दे दे फिर भी वो तैयार हो जाएगी, मजबूरी है, करे तो क्या करे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, अखिलेश यादव दे रहे हैं 8 से 10 सीट, बोनस है अखिलेश यादव को लगता है। कांग्रेस को लगता है कि 2009 में राहुल मैजिक के दौरान हमने 20 सीटें जीती थी, इसलिए 20 सीटों पर हमारा हक है। अखिलेश कह रहे हैं वो 2009 था, उसके बाद 2014 आया, उसके बाद 2019 आया, आज आप आ गए हैं 1 सीट पे। तो वास्तविकता पे उतरिए, प्रैक्टिकल होइए, आपको जो भी दे रहे हैं बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस मानेगी या नहीं मानेगी ये तो अलग बात है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पास एक ऑप्शन और है कि इतनी बेइज्जती सहने से बढ़िया है कि इस अखिलेश से हटे, मायावती से सटे, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों मायावती कांग्रेस मिलकर एक बनाए, उसके बाद लड़ते रहे, 20 सीट पर लड़े, 25 सीट पर लड़े, 50 सीट पर लड़े, रोका किसने, लेकिन जीतेंगे क्या? लड़ने से थोड़ी ना होता है, जीतना ही पड़ता है। अब यह हो गई उत्तर प्रदेश की बात। आखिरी सेक्शन में बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विजय चौधरी को साथ लेकर राज्यपाल से मिल रहे हैं। मुलाकात का मुद्दा क्या है किसी को नहीं पता, अचानक नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंच गए। अब आरजेडी में भगदड़, कांग्रेस में भगदड़ की कहीं सचमुच तो वो खबर सच नहीं हो जाए। खबर क्या है नहीं पता अभी तक, जब तक वो बाहर नहीं आते नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जेडीयू के नेतृत्व पर उन 16 सांसदों का दबाव है कि हम 16 जीते थे, अभी लड़ने को भी नहीं मिल रहे हैं। हम बेहतर स्थिति में हैं 2019 से या खराब स्थिति में है हमारा नेतृत्व खुद फैसला करेगा। उधर बीजेपी की ओर से भी इशारा मिल रहा है, अमित शाह ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से प्रपोजल आएगा तो हम विचार करेंगे। और उसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यह कह दिया कि हमने कभी नहीं ये कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, नीतीश की पार्टी की ओर से प्रस्ताव आने दीजिए, विचार करेंगे, पुराने सहयोगी हैं, बुजुर्ग हैं तो क्या हो, बढ़िया आदमी हैं। अब ये सब बयानबाजी के बाद महागठबंधन में भगदड़ है। महागठबंधन पुराना नाम था, सॉरी, अब हो गए हैं इंडिया IN.D.I.A, इंडिया में भगदड़ है। चुनाव नजदीक आने वाले हैं, हमें जो सूचना है उसके अनुसार फरवरी के पहले हफ्ता में बीजेपी की 160 कैंडिडेट वाली लिस्ट आनी है। देश भर में 140 रैली करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां ये तैयारी चल गई है। अलग अलग पार्टियों के साथ सीटों का समझौता हो गया है, लगभग समाप्ति की ओर है, पंजाब को छोड़ दिया जाए तो।